अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। आई माईसेल्फ शेख सुमैया ऑन बिहाफ ऑफ SDMES बॉयज इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल फ्रॉम स्टैंडर्ड थर्ड विल गोइंग टू टीच यू टुडे द बॉडी। यानी कि आज हम बॉडी के पार्ट्स के बारे में जानेंगे और उनके अरेबिक नेम्स देखेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर स्टडीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अल जिस्म, क्या कहेंगे? अल जिस्म यानी दी बॉडी। बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, ईयर, नोज, आइज, लेग्स, ये सारे बॉडी के नेम्स हम अरेबिक में देखेंगे। और अल जिस्म का मतलब होता है द बॉडी। रासुन, क्या लिखा है बेटा? रासुन, रासुन का मतलब होता है हेड। देखो यहाँ पर फिंगर भी रखी हुई है, एरो भी दिखाया है ना, इसे कहेंगे रासुन यानी हेड। उजुनुन, क्या लिखा है? उजुनुन, उजुनुन का मतलब होता है ईयर। ईयर यहाँ दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ईयर। अनफुन, क्या लिखा है? अनफुन यानी कि नोज। आइनुन, आइनुन का मतलब होता है आई। शअरुन, क्या लिखा है? शअरुन यानी हेयर। फमुन, फमुन यानी माउथ। वजहुन, वजहुन यानी फेस। उनुकुन, उनुकुन यानी नेक। उनुकुन। सदरुन, सदरुन यानी चेस्ट। बतनुन, बतनुन यानी स्टमक। यदुन, यदुन यानी हैंड। रिजलुन, रिजलुन यानी लेग। चलो एक बार और देख लेते हैं। अल जिस्म द बॉडी, रासुन हेड, उजुनुन ईयर, अनफुन नोज, आइनुन आई, सारुन हेयर, फमुन माउथ, वजहुन फेस, उनुकुन नेक, सदरुन चेस्ट, बतनुन स्टमक, यदुन हैंड, रिजलुन रिजलू लेग। तो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया? एग्ज़ाम में मैं आपको पूछने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने जब क्लासरूम के बारे में बताया था तो आपको बोला था कि मैचिंग भी पूछ सकती हूँ या फिर पिक्चर्स को देख के आपको बताना होगा, ठीक है? तो आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूले। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, टेक केयर, जज़ाकल्लाहु खैर।